अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने जमान में रखे। फूडी स्टडी में आज बहुत ही एक लजीज और मज़ेदार रेसिपी मैंगो आइसक्रीम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार होने वाली आइसक्रीम है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं मैंगो आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमारे पास यहाँ मैंगो हैं, ये 3 बड़े साइज़ के मैंगो हैं जिनके मैंने चंक्स में इसकी कटिंग कर ली है। इसके अलावा 390 मिलीग्राम का जो कंडेंस मिल्क का एक टिन आता है उसमें से मैंने 3/4 जो है ये कंडेंस मिल्क लिया है, यानी एक हिस्सा जो है वो सिर्फ छोड़ दिया है, बाकी सारा कंडेंस मिल्क ले लिया। यहाँ हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है जो कि मैंने 200 मिलीलीटर के जो है वो क्रीम का एक टेट्रा पैक पैकेट लिया है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से चिल हो जाए। ये चिल हो चुकी है, अब हम इसको सब बीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मैंगो को इसका पल्प बना लेते हैं। ब्लेंडर में हम सबसे पहले मैंगो के सारे ये चंक्स डाल देंगे। और इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। मैंगो का ये पल्प तैयार हो चुका है। अब हम क्रीम को बीट करेंगे। जब भी किसी चीज़ के अंदर क्रीम को व्हिप करना हो तो उसको चिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बीट हो जाएगी। क्रीम को थोड़ी देर बीट कर लिया है, इसको मैं दोबारा थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये दोबारा और अच्छी तरह से चिल हो जाए, फिर उसको दोबारा बीट कर दूँ। दस मिनट के लिए फ्रीज़र में मैंने क्रीम को रख दिया था जिससे ये थोड़ी सी और चिल हो चुकी है। अब इसको दोबारा बीट करते हैं। क्रीम काफ़ी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बीट हुई है। अब इसके अंदर हम ये कंडेंस मिल्क जो है वो डाल देंगे। और इसको बहुत अच्छा इसमें फोल्ड कर देंगे। कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से इसमें फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें ये मैंगो की प्यूरी डाल देंगे। इसको भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो इसे थोड़ा सा बीटर चला सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर फोल्ड हो जाए। मैंगो का पल्प इसमें बहुत अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे एक एयर टाइट बॉल में डाल देते हैं। इस बॉल के अंदर हम ये सारी आइसक्रीम डाल देंगे। इसको मैं ढक के एक दिन के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से फ्रीज हो चुकी है, एक दिन बाद मैंने इसको खोला है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैंगो आइसक्रीम के ऊपर हम थोड़े से स्प्रिंकल डाल देंगे।
मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।